शिट यार गाइस, मैं वापस से एक जंगल में खो चुका हूँ गाइस। मैं भटक चुका हूँ जंगल में और मुझे पता नहीं मेरा घर कहाँ है। मैं तो 100,000 बार खो चुका हूँ यार जंगलों में। अब गाइस जल्दी से जल्दी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वेल मानना पड़ेगा मैं बड़ा ही भुलक्कड़ आदमी हूँ। अब मुझे जल्दी से जल्दी कहीं रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी गाइस रात होने से पहले, क्योंकि अगर रात हो गई तब तो मैं गया गाइस। अरे यार काश मुझे कोई विलेज मिल जाए जल्दी से जल्दी। एंड गाइस मुझे वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं यार, डरावनी डरावनी, पता नहीं कहां से आ रही है, लेकिन मैं चलता हूँ। और ये क्या यार, यहाँ पे एक ब्रिज क्यों बना हुआ है? यहाँ पे ब्रिज किस लिए है यार गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वहां पे मुझे कुछ घर दिख रहा है गाइस, लगता है मुझे मिल गया एक घर। अब मैं इसमें शायद से रह सकूं, पता नहीं किसका है। एंड गाइस यहाँ पे तो एक मैप है। वेल मुझे क्या, मैं चलता हूँ अभी उस घर की तरफ एकदम स्पीड में। और यहाँ पे एक डॉगी है, हेलो डॉगी कैसे हो। अब गाइस मैं घर के एकदम पास आते जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे एक छोटा सा झोपड़ी दिख रहा है गाइस, पता नहीं किसका घर है ये छोटा सा, यही घर के सामने। एंड गाइस शायद से इस घर को मैं खरीद सकूँ, लेकिन इस घर का ओनर कौन है ये मेरे को नहीं पता गाइस, इसलिए मैं शायद नहीं खरीद पाऊँगा। और मेरे पास पता नहीं कितने पैसे हैं अभी मेरे इन्वेंटरी में। वेल गाइस ये घर कितना ज़्यादा बड़ा है गाइस, और मुझे पता नहीं इस घर के अंदर कितने सारे रूम होंगे। एंड गाइस इस छोटे से घर में कौन रहता है देख लेते हैं। और हाय विलेजर, क्या तुम इस घर के ओनर हो? अगर हो तो यार मुझे ये घर दे दो। नहीं अरे चिंता मत करो यार, मैं तेरे को 150 रुपया दे देगा। एंड गाइस ये मान चुका है और ये बोल रहा है कि मैं इस घर को एक बार चेक भी कर सकता हूँ। एंड गाइस इसने बात भी सही की है, क्योंकि अगर मैं इस घर को खरीदूंगा और ये पूरा खाली हुआ यार तो मेरे साथ फोकट हो जाएगा। वेल गाइस बहुत मजाक हो गया, अब मैं जल्दी से चलता हूँ अंदर और देखता हूँ कि ये घर कैसा है। ओके मैं गेट के पास आ चुका हूँ और ये गेट बड़ा ओपी लग रहा है गाइस। वाओ वेरी डेंजरस। चलो गाइस इस गेट को मैंने बहुत ज्यादा घूर लिया, अब जल्दी से चलता हूँ अंदर, नहीं तो इस गेट को ही घूरता रहूंगा। एंड गाइस ये काउस मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं यार, हटो काउ हटो यहाँ से। अरे सॉरी सॉरी गलती से मार दिया गाइस, मुझे नहीं पता था 2 हिट में बस ऐसे ही मर जाएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एंड गाइस इस गेट के किनारे 2 लवर्स लगे हैं। इस वाले लेवर से हम लोग इस गेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, और इस दूसरे वाले गेट से हम लाइट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ओके गाइस अब मैं इस बटन को दबा के देखता हूँ इससे क्या होता है। ओके गाइस अब मैं इस बटन को दबाता हूँ और इससे फाउंटेन ऑफ हो रहा है गाइस, इस फाउंटेन का पानी सब जा रहा है। ओके गाइस मैं इसे वापस ऑन कर देता हूँ ताकि इसका पानी वापस आ जाए। एंड गाइस ये पानी के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। और गाइस अब मैं उस तरफ चलता हूँ, वहाँ पे मुझे एक घोड़ा दिख रहा है और उसके पीछे शायद उसका घर है, लेकिन गाइस ये घोड़े के घर के लिए बहुत छोटा लग रहा है गाइस। मुझे इसके अंदर क्या है? अरे भाई इसके अंदर एक डॉग है गाइस, मतलब इसके अंदर वुल्फ है लेकिन मैं इन्हें डॉग बुलाता हूँ। एंड गाइस ये कितना क्यूट है यार। गाइस अच्छा हुआ कि ये मेरे घर में, अब मुझे अकेलापन ज़्यादा महसूस नहीं होने वाला। वेल गाइस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और गाइस मैं इससे मिलने कभी भी आ सकता हूँ नीचे। वेल गाइस मैंने बाहर का बहुत देख लिया, अब मैं जल्दी से चलता हूँ अंदर। अब गाइस रेडी हो जाइए अंदर देखने के लिए। और ये मैं गया घर के अंदर, और यार इतना बड़ा घर है गाइस, इसमें डिजाइनिंग भी कितनी अच्छी की गई है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ सोफा वोफा है, और यहाँ पे एक टेबल है, और इस टेबल के सामने एक साइन बोर्ड है गाइस जिस पे लिखा हुआ है फूड गाइस। और यहाँ पे एक बटन है, शायद इस बटन को दबाने से फूड मिलेगा हमें इस टेबल के पास। एंड गाइस मैं इस बटन को दबाता हूँ। एंड गाइस मेरा फूड कहाँ है यार? एंड गाइस ये रहा मेरा फूड जो कि है इंचांटेड गोल्डन एप्पल। गाइस यार इतना ओपी फूड मिल रहा है इस घर के अंदर। एंड गाइस देखिए मेरे को कौन कौन से इफेक्ट्स मिल चुके हैं इस एप्पल को खाने से। एंड गाइस यही नहीं, मेरी हेल्थ भी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। गाइस इस घर का खाना इतना ज़्यादा महंगा है, शायद से इसलिए ये 150 रुपया का है। वेल गाइस ये खाना बहुत टेस्टी, इसलिए मैं वापस बटन को दबाता हूँ ताकि मुझे और खाना मिले और मैं खा खा के मोटा हो जाऊंगा गाइस। वेल गाइस अभी मैं इस घर को और थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, और यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, एंड मैं कभी भी यहाँ पे आके बुक्स पढ़ सकता हूँ यहाँ पे बैठ के आराम से। एंड गाइस यहाँ पे लगा हुआ है एक सस्ता सा टीवी जो कि पेंटिंग से बना है, क्योंकि रियल लाइफ टीवी तो बन नहीं सकता माइनक्राफ्ट में। एंड गाइस यहाँ पे लगा हुआ है एक विंडो, और यहाँ से मुझे एक विलेज दिख रहा है गाइस, बाहर एक विलेज है गाइस। अब मैं सुबह सुबह उठ के उस विलेज में घूमने जाऊँगा, लेकिन सुबह सुबह उठ भी पाऊंगा कि नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ। एंड गाइस यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे एक किनारे में भी यहाँ पे बैठने के लिए बना है, और यहाँ पे पेंटिंग लगा हुआ है 2। एंड गाइस यहाँ पे इंचांटिंग करने के लिए रूम है, एंड ये रहा हमारा इंचांटिंग टेबल, और इसके आसपास है कुछ बुक शेल्फ्स। एंड गाइस मैं यहाँ पे इंचांटिंग करने कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन यार मेरे पास लैपिस नहीं है गाइस। एंड गाइस ये टेबल शायद डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पे मैं खाना खाने आ सकता हूँ। एंड इसके सामने गाइस यहाँ पे कुछ हेड्स लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से ला दिया ये हेड्स गाइस। मुझे लगता है इस घर का ओनर पहले मर्डरर था, मतलब कुछ ज्यादा ही खतरनाक मर्डरर। देख रहे हो अंडर ड्रैगन का भी हेड है यहाँ पे। वेरी डेंजरस। वेल गाइस अब मैं पहुंच चुका हूँ इस घर के किचन में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे इतने सारे लाइट्स क्यों लगे हैं? मैं तो इतना बिल भर ही नहीं पाऊंगा यार।
एंड गाइस यहाँ पे एक स्विच है जिससे लाइट्स ऑन एंड ऑफ होते हैं, और ये ऑफ करता हूँ। नहीं यार, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है अब। मतलब लाइट बिल से बचने का और कोई चारा नहीं गाइस। वेल गाइस, मैं चेक करता हूँ इन चेस्ट में क्या है। इस चेस्ट में कुछ भी नहीं है गाइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसमें खुद से कुछ ना कुछ तो रख ही दूंगा। और इस चेस्ट में क्या है, और खोलता हूँ मैं इस चेस्ट को, और इसमें भी कुछ नहीं गाइस। एंड इसमें भी कुछ नहीं है यार, सारे के सारे चेस्ट खाली हैं यार। मैं क्या रखूंगा इन सब चेस्ट में, क्योंकि गाइस मेरा जीबा भी खाली है। मैं क्या क्या खरीदूंगा, मेरा पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा। एंड गाइस, इस किचन में फ्री में एक केक भी है जिसे मैं अभी नहीं खाने वाला, क्योंकि मेरा पेट अभी भरा हुआ है गाइस। एंड गाइस, फूड कुक करने के लिए यहाँ पे दो फर्नेस भी लगे हुए हैं। एंड गाइस, यहाँ पे इतने सारे बटन क्यों लगे हुए हैं यार, मैं दबा के देखता हूँ एक बटन। और इससे यार गाइस कुछ हुआ तो नहीं, लगता है बस डिजाइन के लिए लगाया गया है। और यहाँ पे लवर लगा हुआ है जिसका फिन से कोई भी काम नहीं है गाइस। एंड गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या बनाए ये लोग। एंड गाइस, यहाँ पे लिखा है थ्रो रो आइटम्स इन द स्टोव। ओके, मैं समझ गया। ओके गाइस, मेरे ख्याल से यही है स्टोव, और मैं इसके अंदर कुछ रॉ आइटम्स फेंक सकता हूँ जो मुझे चाहिए नहीं। ओके गाइस, मैं इस सीट को थ्रो करता हूँ और ये गया नहीं गाइस अच्छे से इसके अंदर। मैं वापस इसे लेता हूँ और इसे वापस थ्रो करता हूँ। सो गाइस, अब मैं फेंकने जा रहा हूँ इस सीट को, और देखते हैं ये जाता है कि नहीं, या फिर हमारे इन्वेंटरी में वापस आ जाता है। और गाइस, वो चला गया, चलो कुछ तो काम आया उसका। ओके गाइस, अब मैं जल्दी से चलता हूँ दूसरे रूम में, लेकिन यहाँ पे एक लवर लगा जिसको खींचने से लाइट्स ऑफ हो गए। अब मैं वापस ऑन कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है गाइस। अब मैं चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ जो कि हमारा बेसमेंट। सो गाइस, ये रहा बेसमेंट, और मैं जल्दी से चलता हूँ नीचे। और यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट लगा हुआ है गाइस, इसके ऊपर मैं चढ़ता हूँ और यहाँ से एक्सपी बॉटल्स बाहर निकल रहे हैं गाइस। गाइस, एक और बार करते हैं, और ये मैं गया और वापस बॉटल्स निकले और ये मुझे और एक्सपी मिल गया गाइस। गाइस, ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था यार। एंड गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे लिखा है नीड एक्सपी, नहीं भाई नो थैंक्स। एंड यहाँ पे लिखा है इजी 3 हिट मॉब्स। एंड गाइस, इस चेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक कैरेट है और ये घटिया सा सामान है। एंड गाइस, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा। यहाँ पे कुछ लाइट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे होल क्यों बना हुआ है। एंड यहाँ पे एक साइन बोर्ड है जिस पे लिखा है कैन यू गेस द कॉम्बिनेशन। गाइस, मुझे तो नहीं पता कौन सा कॉम्बिनेशन। गाइस, मैं इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार मेरे पास पिकैक्स नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने तोड़ दिया तो फिर मुझे फाइन भरना पड़ेगा गाइस, और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बस इस घर को खरीदने के लिए लाया हूँ पैसे। वेल गाइस, यहाँ पे कुछ लवर्स लगे हुए हैं, और उस साइन बोर्ड पे इसी कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही होगी गाइस। लेकिन गाइस, मुझसे ना हो पाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ। लेकिन गाइस, मेरे को लगता नहीं और कोई रूम बचा होगा जिसे हमने एक्सप्लोर नहीं किया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ऊपर चलता हूँ। लेकिन गाइस, मुझे यहाँ पे एक डोर दिख रहा है गाइस, मैं इसे खोलता हूँ, और इसके पीछे कॉरिडोर है जहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ। लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना गाइस अभी, क्योंकि बहुत रात हो रही है और मॉब्स बहुत ज्यादा घूम रहे होंगे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है गाइस। फिलहाल गाइस, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट रूम की तरफ, मतलब नेक्स्ट फ्लोर की तरफ, और ये रहा सीढ़ी, और इसके ऊपर से मैं चलता हूँ नेक्स्ट फ्लोर में। एंड गाइस, मुझे लगता है इस फ्लोर में बहुत सारे रूम्स होने वाले हैं, और यहाँ एक बालकनी है गाइस छोटा सा, और मुझे वहाँ पे स्विमिंग पूल दिख रहा है गाइस। लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी रात हो रही है, इसलिए मैं अभी बस अंदर का ही दिखता हूँ। और यहाँ पे अच्छे से कारपेट लगाया गया है, और यहाँ हमारे बैठने के लिए सीट है, और यहाँ पे एक टेबल भी है जहाँ पे हम आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। वेल गाइस, मैं इस चेयर से उतर के चलता हूँ इस वाले रूम में, और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। और इस एक बेड के ऊपर तो चार चार लोग सो सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे लाइट्स का स्विच भी है जिससे मैं लाइट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे ऑन करता हूँ। एंड गाइस, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा हूँ, मैं तो इस बेड पे आराम से एकदम फैल के सोऊंगा। एंड यहाँ पे एक और बेड है गाइस, और यहाँ पे पता नहीं कौन सा रूम है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, और ये भी एक बालकनी है गाइस जहाँ से हमारा ओपी सा गेट दिख रहा है। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए मैं अभी चलता हूँ अंदर, और मैं चलता हूँ बेड में सोने। अब गाइस, अब मैं चलता हूँ आराम से एकदम फैल के सोने। वेल, मैं आप लोग को सुबह को मिलता हूँ गाइस। ओके, वेल गुड मॉर्निंग गाइस, अब सुबह भी हो चुकी है और मैं उठ भी चुका हूँ गाइस। एंड हम अपना एक्सप्लोरिंग का काम जारी रख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले शाउट आउट टू फैंटास्टिक गेमर। वेल गाइस, अगर आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए तो फिर बस एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और मैं किसी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में आप लोग को भी शाउट आउट दे दूंगा। वेल गाइस, अब हम लोग इस रूम से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, एंड जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करते हैं। वेल गाइस, मैं इस रूम में आ चुका हूँ, और यार मुझे पता नहीं यार ये क्या बनाया गया है, यहाँ पे इतने सारे लवर्स लगे हैं इसके किनारे। एंड गाइस, यहाँ एक साइन बोर्ड भी लिखा है वाटरफॉल। ओके गाइस, मैं समझ गया ये वाटरफॉल है, और इन एनिमल्स के पीछे पानी है। वेल, मैं तोड़ता नहीं हूँ, नहीं तो मुझे फाइन भरना पड़ेगा यार। ओके गाइस, मैं चलता हूँ इस रूम में, और यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, और गाइस ये नीचे वाले रूम से थोड़ा सेम लग रहा है मुझे, क्योंकि इस रूम में भी सोफा रखा गया है, एक टेबल, और यहाँ पे एक टीवी रखा गया है। लेकिन गाइस, यहाँ पे मुझे दूसरे रूम्स भी दिख रहे हैं, और मैं दरवाजा खोल के देखता हूँ, और ये भी बालकनी निकला गाइस। एंड गाइस, अभी बाहर बारिश हो रही है। एंड ये कौन सा रूम है गाइस, और ये भी एक बालकनी है यार। यार मैं इतने सारे बालकनीज का क्या करूंगा। वेल गाइस, मैं चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ जो कि है हमारा टॉयलेट गाइस, क्योंकि अभी तक हमने टॉयलेट एक्सप्लोर नहीं किया, और यहाँ पे भी एक बालकनी है गाइस।
एंड गाइस टॉयलेट हमारा यहाँ पे है गाइस, और ये रहा हमारा टॉयलेट। अभी मैं जल्दी से गाइस नहा लेता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा बाथिंग टब, अभी मैं जल्दी से डुबकी लगाता हूँ। और गाइस पता नहीं शावर कहाँ है। एंड गाइस मेरे ऊपर एक डिस्पेंसर है। सो गाइस अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अच्छा इसके अंदर एक वाटर बकेट है, शायद ये शावर है गाइस। एंड गाइस बटन का है शावर का, यार मुझे कहीं बटन नहीं दिख रहा गाइस। मैं इसके बाहर चलता हूँ और मुझे कहीं बटन नहीं दिख रहा यार। ओके गाइस मुझे बटन पता चल गया कहाँ है, और ये रहा बटन। और अभी पानी निकल रहा है यहाँ से, अभी मैं अच्छे से शावर कर लेता हूँ। ओके गाइस मैंने अच्छे से शावर कर लिया, मैं जल्दी चलता हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। और ये रहा हमारा ऊपर वाला फ्लोर। एंड गाइस मुझे तो लगता है इस फ्लोर में और ज्यादा रूम्स है। सो मैं अभी देखता हूँ इसमें कौन कौन से रूम है इस फ्लोर में। ओके गाइस लगता है मुझे एक रूम मिल गया, और ये एक बालकनी है गाइस। यार मुझे तो लगता है इस पूरे घर में रूम से ज्यादा बालकनी बालकनी है। सो गाइस मैं चलता हूँ इस रूम में। एंड गाइस आई होप कि ये बालकनी नहीं है। अरे हाँ यार ये तो बालकनी हो ही नहीं सकता। और गाइस यहाँ पे तो सीढ़ियाँ लगी है, शायद ये रूम नहीं है। यहाँ पे तो बस ऊपर जाने का रास्ता है, इसलिए मैं चलता हूँ इस रूम में जहाँ पे दो आर्मर स्टैंड एक दूसरे को एकदम डेथ स्टेयर दे रहे हैं। आई होप कि ये सब जिंदा हो के मुझे मारने ना लगे यार। ओके गाइस अब मैं देखता हूँ और क्या क्या हो सकता है इस रूम में। और यहाँ पे है हमारा मैप। चलो गाइस अच्छी बात है कि मैप भी दिया गया है यहाँ पे, इतना बड़ा सा है गाइस। एंड गाइस अभी मैं घर के इस कोने में हूँ। ओके एंड गाइस मुझे यहाँ पे एक मस्त सी जगह मिली है गाइस, जहाँ पे मैं यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर सकता हूँ। एंड गाइस अभी तो बाहर बारिश हो रही है। एंड गाइस मुझे वहाँ से उस ओनर का घर दिख रहा है। वेल गाइस मैंने बहुत नज़ारा देख लिया, अब मैं जल्दी से चलता हूँ दूसरे रूम की तरफ। पता नहीं दूसरा रूम कैसा होने वाला है। पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सी जगह पे जाऊँ गाइस। एंड यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हैं, मैं यहाँ नहीं जाता हूँ। और यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। और ये कौन सा डोर है। और यहाँ पे भी एक बालकनी है यार, ये कुछ ज़्यादा ही बालकनी नहीं हो गया क्या। वेल गाइस अब मैं करता हूँ एकदम प्रो लोगों की जब पार्कोर। देखिए गाइस मैं गजब का प्रो पार्कोर कर रहा हूँ। वेल गाइस मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट रूम में, और यहाँ पे है एक और स्विच। वेल मैं वापस से ऑन कर देता हूँ, और ये रहा हमारा दूसरा रूम। एंड गाइस इस रूम में यहाँ पे एक म्यूजिक डिस्क है, लेकिन गाइस मुझे इस नीचे वाले साइन बोर्ड को पढ़ के लग रहा है कि इस म्यूजिक डिस्क का कोई ना कोई तो काम होगा। लेकिन गाइस हमें अपना जासूस वाला दिमाग एक्टिवेट करना होगा ताकि हमें पता लगे कि इसका काम क्या है। सो गाइस मुझे लगता है मुझे इस म्यूजिक डिस्क को इस जूट बॉक्स में डालना है। वेल गाइस मुझे अभी पिस्टन की एक आवाज आई, लेकिन गाइस मुझे पता नहीं कहाँ पे ये पिस्टन है। एंड गाइस जहाँ पे भी वो पिस्टन है वहाँ पे पक्का सीक्रेट रूम भी होगा। गाइस मुझे ऐसे नहीं मिलने वाला, मुझे वापस से उस म्यूजिक डिस्क को निकालना होगा और वापस से अंदर रखना होगा ताकि मुझे उस पिस्टन की आवाज अच्छे से आए। वेल गाइस मुझे मिल चुका है फाइनली वो सीक्रेट रूम, जो कि सीक्रेट रूम जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। गाइस ये सीक्रेट रूम नहीं, ये तो सीक्रेट अलमारी है यार। एंड गाइस दोनों बैरल्स में भी कुछ भी नहीं है यार, ये क्या है। इसे ढूंढने में इतनी ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन इसमें कुछ है भी नहीं गाइस, यार क्या है। वेल गाइस फिलहाल मैं इस म्यूजिक डिस्क को इसकी जगह पे रख देता हूँ वापस से, एंड चलता हूँ नेक्स्ट फ्लोर में। सो गाइस ये रहेगा हमारा नेक्स्ट फ्लोर, और मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर। और ये रहा हमारा सबसे सेकंड लास्ट फ्लोर। एंड इस फ्लोर में इतनी कम रूम्स क्यों है यार। वेल ये रहा हमारा फर्स्ट रूम, और यहाँ पे ज्यादा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे बस लगाई ये पेंटिंग, और यहाँ पे कुछ चेस्ट है, एंड यहाँ पे एक विंडो भी है। लगता है ये रूम बस ऐसे बैठने के लिए है। और सॉरी 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 गलती से लग गया, मैं इसे हटाता हूँ और मैं चलता हूँ नेक्स्ट रूम की तरफ। एंड गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट रूम, जो कि लगभग सेम ही है, बस इसमें पेंटिंग बदला है और इस चेस्ट में कुछ भी नहीं है गाइस, यार क्या बात है ये। एंड गाइस यहाँ पे बैठने की जगह है, और यहाँ पे कुछ बुक्स भी रखे हैं, और इस चेस्ट में भी कुछ नहीं है गाइस। वेल अब मैं देखता हूँ इस चेस्ट में क्या है, और इस चेस्ट में भी कुछ नहीं है। वेल छोड़ो गाइस नीचे वाले रूम्स तो कम से कम अच्छे थे, और ये भी अच्छा था। और ये रहा हमारा लास्ट फ्लोर, एंड यहाँ पे हमारा बेड जो कि बस एक ही है, कोई बात नहीं क्योंकि मैं ही तो सोऊंगा बस। एंड गाइस मैं तो सच में सो गया, मुझे तो पता ही नहीं था रात हो रहा है। वेल गाइस मैं वापस जग गया हूँ, और मैं इस आर्मर स्टैंड को चेक करता हूँ, और ये तो एन्चेंटेड नजर आई आर्मर गाइस। एंड गाइस यहाँ पे एक बटन लगा है जिससे मैं इस आर्मर स्टैंड को बदल सकता हूँ, एंड मैं इसे वापस जैसा वापस कर देता हूँ क्योंकि ये नंगा अच्छा नहीं लग रहा। एंड गाइस यहाँ पे एक चेस्ट लगा हुआ है, मैं देखता हूँ इससे, और यार इसके अंदर इतने ओपी ओपी आइटम्स है गाइस। गाइस यहाँ पे तो इलाइट्रा भी है यार, यहाँ पे एक ट्राइडेंट भी है, लेकिन गाइस मुझे इन्हें छूना नहीं चाहिए। और मैं चलता हूँ जल्दी से इस घर को खरीदने, लेकिन सबसे पहले अच्छे से तो देख लूँगा और इन बैरल्स में क्या है गाइस। और यार इस बैरल के अंदर तो ड्रैगन का हेड है गाइस, और इसमें कुछ नहीं है। एंड इस वाले बैरल में शर्कर बॉक्सेस रखे हुए इतने सारे, पता नहीं इनका क्या करूंगा। और इसमें यार इतने ओपी ब्लॉक्स, एंड इसमें इतने सारे एंडर पर्ल्स भी रखे हुए हैं यार गाइस। यार मैं इस घर को खरीदने के बाद इतना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, क्या ही बोलूं मैं अब। एंड गाइस अभी मैं इन बैरल्स को भी चेक करता हूं, सब में कुछ नहीं है। ओके इसमें है ढेर सारे चीजें। एंड गाइस इस वाले बैरल में इतने ज्यादा ओपी चीजें गाइस, यहाँ पे तो बीकन भी है गाइस। वेल गाइस ये वाला फ्लोर थोड़ा छोटा है, लेकिन यार उतना ओपी भी है गाइस, इसलिए मैं इस घर को खरीद लेता हूँ जल्दी से उस विलेजर के पास जाकर। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ नीचे, और मैं जल्दी से इस विलेजर के पास से खरीद लेता हूँ ये घर, और जल्दी से इसे ले लेता हूँ। और विलेजर भाई जल्दी से मुझे ये घर दे दे, और मेरा सारा पैसा ले ले यार।
बॉय। ओके गाइस, मैं जल्दी से इसे सारे पैसे दे देता हूँ और मुझे इसके चेस्ट के अंदर रखना पड़ेगा। वेल गाइस, मैं आप लोग से मिलता हूँ इस घर को खरीदने के बाद। ओके गाइस, अब ये पूरा का पूरा घर हो चुका है मेरा। अब मैं इस घर में आराम से रह सकता हूँ गाइस। अब गाइस मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और अब मैं वापस कभी जंगल में एक्सप्लोर करने नहीं जा रहा यार। वेल गाइस, मैं आप लोग को एक चीज दिखाना भूल रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना नहीं है लेकिन है, और ये रहा हमारा ऑटोमेटिक फार्म गाइस, यही मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। सो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑटोमेटिक फार्म जहाँ पे पम्पकिंस ग्रो हो रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं अभी। और ये है हमारा नेक्स्ट फार्म जो कि है पोटैटो फार्म। और गाइस, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। मैं बटन दबाता हूँ एंड यहाँ से पानी निकलने लगा है, और मैं जल्दी से जल्दी इन पोटैटोस को कलेक्ट कर लेता हूँ। पहले गाइस मैं इस बटन को बंद कर देता हूँ, नहीं तो पानी बहता रहेगा। एंड गाइस, अब मैं इस टेस्ट को चेक करता हूँ कि इसके अंदर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे है, लेकिन एक पॉइजनस पोटैटो भी है गाइस, जिसे मैं किसी विलेजर को गिफ्ट कर दूंगा। एंड गाइस, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला फार्म जो कि है वीट फार्म। एंड गाइस, ये बहुत ज्यादा यूजफुल फार्म है मेरे लिए। एंड गाइस, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट फार्म की तरफ जो कि है बीटरूट फार्म। शायद से बीटरूट ही कहता है इसे, क्योंकि मैं उतना श्योर नहीं हूँ यार, और मैं बहुत ज्यादा नूब बंदा हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे एक एरो का साइन आ रहा है, पता नहीं किस लिए। वेल छोड़ो उसे। और ये रहा हमारा कैरेट फार्म। एंड गाइस, मुझे कैरेट बहुत पसंद है। और ये रहा हमारा लास्ट फार्म जो कि है शुगर केन फार्म। एंड गाइस, ये सारे के सारे फार्म्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। एंड गाइस, सब कुछ बचा ही नहीं यार दिखाने के लिए आप लोग को, इसलिए इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं हम। एंड सॉरी गाइस लेट वीडियो के लिए। वेल गाइस, मैं इतने दिनों से इसी वीडियो की तैयारी में लगा हुआ था, एंड वैसे भी ये वीडियो उतना भी अच्छा नहीं है। वेल गाइस, मैं इतने छोटे से फोन में और कुछ अच्छा एडिटिंग कर ही नहीं सकता, और जितना एडिटिंग कर सकता था मैंने उतना किया। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गाइस, इसलिए अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखा सकते हैं आप लोग तो फिर यार दिखा दीजिए गाइस प्लीज। नहीं मुझे पता नहीं कि मैं कभी बड़ा यूट्यूबर बन पाऊंगा कि नहीं, आप लोग के बिना तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इसलिए गाइस, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।